हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स बुक सुपर कोचिंग दिस इज मी टू लिका योर यू जी नेट पेपर वन फैकल्टी एंड दीज आर दी टाइमिंग्स ऑफ माय फ्री लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब एंड टेक्स बुक ऐप लर्नर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप टेक्स बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर रहे हैं यू नेट सेट जे की कर रहे हैं तैयारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इंक्वायरीज आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लर्नर्स ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग्स सेशन के लिंक्स पी और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं सो डोंट फोगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप सो लर्नर्स आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर हम बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड की तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस टॉपिक से बनते हैं तो अगर हम बात करें और टॉप टेन टॉपिक्स के जिससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में तो उसमें से एक ये टॉपिक है तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट की बिहेवियर एंड हेल्पफुल बिहेवियर सो टीचिंग के कंटेक्सट में क्लासरूम सेटअप में क्या होते हैं टीच टीचर के behavior, की और हेल्पफुल बिहेवियर जो कि इफेक्टिव टीचिंग में मदद करते हैं इस टॉपिक के इर्द गिर्द हम आज ये डिस्कशन करेंगे लर्नर्स ये जो हमारा आज का सेशन है दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक टू प्रो यूजीसी नेट जी जून 2024 सो लेट्स स्टार्ट सो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये दोनों तरह के बिहेवियर जरूरी होते हैं पहले हम बात करेंगे की बिहेवियर्स की तो जो प्रमुख व्यवहार होते यानी कि जो बिल्कुल फंडामेंटल होते हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता है उनके बारे में बात करेंगे तो ऐसे कौन से बिहेवियर्स होते हैं जो क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो सबसे पहला होता है लेसन की क्लैरिटी लेसन की क्लैरिटी यानी कि पाठ स्पष्टता आइडिया किसी भी टॉपिक का आइडिया सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए चाहे वो बच्चा किसी भी स्तर का हो चाहे वो बिगनर हो एवरेज स्टूडेंट हो अब एवरेज हो जब भी क्लासरूम में कोई भी टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लेसन की क्लैरिटी जरूर से अचीव होनी चाहिए तो किसी भी तरह का क्लास में अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसे कम करके टीचर को जो सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए वो होना चाहिए लेसन की क्लैरिटी पर दूसरा है इंस्ट्रक्शन Variety. जब भी हम पढ़ाते हैं, हर चीज को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मेथड्स एंड वेज आर डिफरेंट। तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम बदल-बदल के, यानी कि वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करें, ताकि बच्चे भी बोर नहीं फील करें और इंटरेस्ट से हर चीज को पढ़ें। राइट right? तो समय समय पर हम अलग अलग तरह के अगर टीचिंग टूल्स का टेक्नोलॉजी मटेरियल एक्टिविटीज का अगर उपयोग करेंगे अलग अलग तरह के शिक्षण उपकरण का उपयोग करेंगे तो हमारी टीचिंग जो है ज्यादा प्रभावी हो सकेगी तो पहला था लेसन क्लैरिटी दूसरा था इंस्ट्रक्शनल वेराइटी तीसरा है तीसरा होता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन अब क्या होता है क्लास में जब भी टीचर जाता है तो प्लान करके जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है अगर ये प्रॉपर प्लानिंग हो जाए यानी कि टीचर अगर पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है ओरिएंटेड है तो क्लासरूम बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सकता है क्या होता है क्लास में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं ये मान के चलिए कि आप जितना प्लान कर रहे हैं उतना अच्छे से नहीं हो पाता है आपने एज अ टीचर क्या करना है वो डिस्ट्रैक्शंस को जल्दी से साइडलाइन uh, कर देना है हैंडल कर लेना है ताकि वापस से ट्रैक पे आकर आप क्लास को मैक्सिमम यानी इफेक्टिविटी की तरफ ले जा सके सो so, शिक्षक कार्य अभिन विन्यास यहाँ पे प्रिपरेशन जो होता है टीचर का वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है चौथा पॉइंट जो है दैट इज एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस कोई भी लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी जब उसमें इंगेजमेंट होगा यानी कि इन्वॉल्वमेंट होगा तो अगर टीचर ने कोई काम दिया है बच्चों को तो टीचर का काम है कि घूम घूम के जाके देखे कि बच्चे वो कर रहे हैं या नहीं तो ये जो मॉनिटरिंग होती है इससे आप देख सकते हैं और बच्चे को भी माइंड में फियर रहता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा इंगेज करेगा तो हर तरह की टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एंगेजमेंट जो है सीखने की प्रक्रिया में जुड़ाव होना बहुत जरूरी है और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर इज स्टूडेंट सक्सेस रेट तो ये माना जाता है कि आपने जो पढ़ाया है अगर बच्चा 60 से 70 प्रतिशत भी अपना समय अपना कंसंट्रेशन आपके पढ़ाए हुए कंटेंट को देता है तो उसे अच्छे से कंटेंट समझ आ जाना चाहिए तो स्टूडेंट सक्सेस रेट जो है ये हम मान के चलते हैं कि सिक्सटी टू सेवेंटी भी अगर स्टूडेंट सक्सेस रेट है तो क्लास काफी इफेक्टिव मानी जाती है तो ये कुछ ये हमारे थे पाँच की बिहेवियर्स जो कि बिल्कुल फंडामेंटल है इसके बिना काम नहीं चल सकता है इसके अलावा कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि हेल्पफुल बिहेवियर्स है अगर क्लास में हम वो बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी क्लासरूम टीचिंग और इफेक्टिव हो सकती है विल टॉक अबाउट दैम बट बिफोर वी मूव अड लर्नर्स हमारे फाउंडेशन बैच टू पॉइंट जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही है पेपर वन और पेपर टू के ये सभी फैकल्टीजे सब्जेक्ट्स लेते हैं सो so, क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिलती है जिनको आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट आर ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड तो अगर आप भी जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में अपना नेट सेट जी आर एफ क्लियर करना चाहते हैं सो डे डू गेट योर सेल्स एनरोल्ड

तो अगर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है अपना आइडिया दे रहा है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है क्यों क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि हम में से ही कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है सो वन वे कम्युनिकेशन जो कि जनरल टीचर सेंटर्ड अप्रोच में रहता है वो यहाँ नहीं होता है स्टूडेंट्स uh, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्टूडेंट अगर आइडियाज़ और कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं विच मेक्स द टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसका एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम थोड़ा पहले बताते हैं उसके बारे में बैकड्रॉप देते हैं फिर मेन कंटेंट पढ़ाते हैं और उसके बाद उसे कंक्लूड करते हैं किसी भी कंटेंट को अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाए तो वो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी एज कंपेयर्ड अगर हम सीधे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो जनरली तो हम एक प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज से कनेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड करते हैं और फाइनली कंक्लूड करके अगर सब चीज़ को समझाते हैं तो उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरिंग तो इसे भी एक हेल्प help, हमारा हेल्पफुल बिहेवियर माना जाता है थर्ड इज क्वेश्चनिंग क्वेश्चंस चाहे वो डाइवर्जेंट uh, क्वेश्चंस हो uh, कौन कन्वर्जेंट क्वेश्चन हो लो ऑर्डर क्वेश्चन हो हाई ऑर्डर क्वेश्चन हो क्वेश्चन हमेशा क्लासेस को इनरिच करता है बिकॉज जब भी क्वेश्चनिंग का ये दौर चल रहा होता है बच्चे सोचते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक पे रहता है बिकॉज दे नो कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है सो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है बच्चों का तो अगर क्वेश्चनिंग क्लास में होती रहे तो दैट रिजल्ट इन इफेक्टिव टीचिंग और ये एक हमारा हेल्पफुल बिहेवियर है अनदर वेरी इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोबिंग क्या होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों के जवाब आते हैं आंसर्स आते हैं बट कई बार ये आंसर्स थोड़े संक्षिप्त होते हैं छोटे होते हैं जिससे हमें पूरी बात उनकी नहीं समझ में आती कि स्टूडेंट कहना क्या चाहता है तो प्रोबिंग के प्रोसेस में हम बच्चों से और डिटेल में बातें जानते हैं तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके बताता है विच इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर दैट चाइल्ड वो सिर्फ उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं है बट बल्कि बाकी क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी वो टॉपिक को समझने और डी करने में मदद करता है तो प्रोबिंग एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस होता है इससे एज अ टीचर आपको यह भी पता चलता है कि बच्चा कहां तक समझ रहा है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है आप जिस तरह से उसे समझा रहे हैं क्या वो भी उसी तरह से वो चीज़ को समझ रहा है या कोई और तरह का वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है तो प्रोबिंग को आज के समय में क्लासरूम एक्टिविटी में काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टूल है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीचर इफेक्ट कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसे एक अच्छा टीचर पढ़ाता है हम आज भी अपने स्कूल के पढ़ाए हुए टीचर्स को याद करते हैं और और उन्हें इसके लिए श्रेय देते हैं सो टीचर इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो क्लासरूम में अगर टीचर बहुत इंथूजियाटिक तरीके से पढ़ाए और इसी तरह का वो जील अपने बच्चों में भी क्रिएट करा दे कि बहुत पैशनेटली बच्चे भी वो सब्जेक्ट को उस टॉपिक को पढ़े तो लर्निंग कैन बी वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड इंटरेस्टिंग सो अगर टीचर इफेक्ट होता है ऑन अ पॉजिटिव फ्रंट तो ये भी एक हमारा हेल्पफुल बिहेवियर माना जाता है सो so लर्नर्स ये है आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये लास्ट ईयर जून 2023 में पूछा गया था आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज की टीचिंग बिहेवियर बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ इफेक्टिवनेस तो इसे आपने सॉल्व करना है यहाँ पे मैंने पांच ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और यहाँ पे है कॉम्बिनेशन कौन सा सबसे अप्रोप्रिएटली बता रहा है की टीचिंग बिहेवियर के बारे में आपने उस क्वेश्चन के ऑप्शन का चयन करना है और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे इन दी कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर एंड बिफोर वी कंक्लूड आवर फाउंडेशन बैच टू पॉइंट ऑन हंड्रेड परसेंट लाइव क्लासेस